अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। एंड यहाँ से सारा कुछ वॉइस ओवर होगा बिकॉज मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, मुझे जाना है डांडिया में। मैं पूरे नवरात्रे नहीं जा पाई, आज लास्ट डे है नौमी का, तो बस हमारे माइंड में ये था कि एक दिन तो जाना बनता ही है, तो जिसके चक्कर में मैं बार बार रीटेक्स नहीं ले पाती, मुझे लेट हो जाता। ऑलरेडी मैं 7 बजे मैं और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए हैं, तो इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। सो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर्स कर रही हूँ, मैंने कर ली है अपने बालों में स्ट्रेटनिंग एंड मैं यहाँ पे लगा रही हूँ प्राइमर। मैंने फेस को वॉश करके मॉइस्चराइज कर लिया है, सो फटाफट लग रहा है मेरा यहाँ पे प्राइमर। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फाउंडेशन, मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी यूज़ कर रही हूँ। एंड प्लीज़ ये व्लॉग पूरा देखिएगा बिकॉज मैंने यहाँ पे टाइटल में ये डाला है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या। सो प्लीज़ वो जानने के लिए कि मैंने वो टाइटल यहाँ पे क्यों डाला है, तो मेरे पूरे व्लॉग को देखिएगा एंड बाद में मुझे कमेंट में बताइएगा क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है। तो ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है एंड मेरे ऑयली फेस के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। एंड बाद में अगर जो मेरा थोड़ा बहुत कवरेज रह गया है, जो कवर मैं नहीं कर पाई, वो मैं यहाँ पे रेवलॉन के कंसीलर से कवर कर रही हूँ। तो स्पेशली मुझे आईलिड्स एंड अंडर आई में ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा मैंने नोज़ पे भी लगा लिया एंड अच्छे से कंसील करेंगे। सब कुछ एकदम इवन करने के बाद भी जो भी कुछ एक्स्ट्रा मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं पे है, तो मैं सबको अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज मैं पहले भी हैवी मेकअप नहीं करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मेरे ओपन पोर्स है और मेरे स्कार्स है फेस पे थोड़े बहुत, तो वो क्या ज़्यादा मेकअप करने से ना मुझे ऐसा फील होता है कि वो और ज़्यादा दिख के आते हैं। तो मैं एकदम लाइट सा और मिनिमल सा मेकअप हमेशा करती हूँ। मैं बेस भी बहुत ज़्यादा लाइट करती हूँ ताकि मेरा जो है ना वो नेचुरल लगे, बहुत ओवर ना लगे। सो अब मैंने अपने फेस में जो फाउंडेशन एंड कंसीलर था उसको सेट करने के लिए रख दिया है। जब तक मेरा वो सेट हो रहा है, मैंने सेट करने के लिए छोड़ दिया है, जब तक वो अच्छी तरह से स्किन पे सेट हो रहा है तब तक मैं बना रही हूँ अपने आईब्रोज। सो अब हो रही है मेरी बेकिंग और मैं बेकिंग करती हूँ जॉनसन पाउडर से, बिकॉज ये बेबी पाउडर है, ये बहुत सॉफ्ट रहता है और मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे स्किन को भी ये सूट हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं आती है। सो मैं इससे अपने फेस को सेट कर रही हूँ, आई मीन बेक कर रही हूँ। एंड देन आई एम यूजिंग कॉन्टोर, यस। सो मैं यहाँ पर नाइका का यूज़ कर रही हूँ, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था।
सो मैं काम चलाऊँ, मेकअप कर ही लेती हूँ। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही होंगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, बाकी मैं काम चलाऊँ तो कर ही लेती हूँ। एंड मेकअप करने से कितना अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स, आपकी जो स्किन है, आपका जो पूरा इवन टोन हो जाता है, थोड़े बहुत पिंपल्स है वो छुप जाते हैं, एंड अच्छा लगता है। तो मैं कॉन्ट्रोलिंग करने के बाद यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। मुझे ना एक्चुअली ये स्टिक है, तो ये दोनों तरफ से है, कॉन्ट्रोलिंग और हाइलाइटर, तो मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मैं हाथ से ही टैप 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 करने में बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि वो पूरे अच्छे से सेट हो जाता है, इसलिए मैं इसे जो है वो अपने हाथों से ही सेट कर रही हूँ। अच्छे से सेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो आई शेडो है वो रेवोल्यूशन का यूज़ कर रही हूँ। सो रेवोल्यूशन का आई शेडो बहुत ही अच्छा है, तो बस अब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। एंड मेरी हुडेड आईज़ है जिसके वजह से मुझे एक इमेजिनरी थोड़ी सी डार्क लाइन बनानी पड़ती है ऊपर में, ब्राउन कलर की। सो मैं पहले वो बना रही हूँ। सो उससे क्या ऐसा फील हो कि मेरी आईज़ थोड़ी ऐसे बड़ी बड़ी दिखे, सो बस वो बना लेती हूँ फटाफट। सो रेडी होते होते मैं मम्मी से बात करते जा रही हूँ, वो मुझे कुछ बोल रही हैं, तो उनका रिप्लाई करते करते मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप मतलब मैंने क्या क्या यूज़ किया कैसे क्या मैं नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने फटाफट सब मिक्स एंड मैच करके फटाफट फटाफट लगा लिया है। अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत मैंने कलर्स यूज़ कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखा था तो एकदम लाइट सा रखा है।
सो आई एम ऑलमोस्ट डन एंड मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ लगा लिया। अब कॉम्पैक्ट बचा था वो भी फटाफट लगा लिया। एक्चुअली रात का टाइम था तो थोड़ा दिख के आना बोल के सब लगा लिया। सिंपल सिंपल करते करते अच्छा ही मेकअप हो गया मेरा। हम जा रहे हैं गरबा खेलने। मेरी एक्साइटमेंट तो देखो, बट जो मेरे साथ अभी होने वाला है वो तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ये हीरो पता नहीं कहाँ है। मेरे को इन्होंने बोला कि मैं से आऊँ वे। ये है साउथ का बहुत बड़ा फेस्टिवल, बदकम्मा फेस्टिवल। यहाँ पे फ्लावर्स के छोटे से माउंटेन जैसे बनाते हैं, बदकमा जिसे बोलते हैं, फिर उससे बीच में रख के सब एज डांस यूजुअल करते कहाँ है हैं डांडिया का क्लब एंड और देन कहाँ है हम। उसकी पूजा चलो करते अभी हैं। पैदल चल सो के फाइनली जाएंगे। हम फर्स्ट प्लेस जहाँ पे हमें डांडिया के लिए जाना था वहाँ हम पहुँच चुके हैं। एंड एज यूजुअल पार्किंग बहुत दूर मिली है, हमें यहाँ से चल के जाना है। आ, अभी बाकी है। सो ये हमने चलना स्टार्ट किया एंड चलते चलते आधे दूर में हमें ये बोला गया कि आप वेस्ट जा रहे हैं बिकॉज़ ना आपको वहाँ पे पास मिलेगा ना आपको एंट्री मिलेगी बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। तो वापस से हम गए दूसरे वाले प्लेस पे जहाँ पे डांडिया हो रहा था। रास्ते में जाते जाते आप ये जो डेकोरेशंस देख रहे हैं ये सारे बदकमा के लिए मंदिर में डेकोरेशन किया गया है। एंड ये साउथ का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। सो बस वो देखते देखते हम निकल गए आगे। सो ये पहुंच गए हम दूसरी प्लेस में। आप सिर्फ गाड़ियों की लाइन देखिए फ्रेंड्स, कहाँ से स्टार्ट हुई है एंड तीन तीन एक साथ खड़ी है। देखिए आप, तीन दिन लाइनें हैं गाड़ियों की और हम कितने आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे भी ऐसा उम्मीद था नहीं कि हमें मिलेगी पार्किंग, फिर भी हमने सोचा क्यों ना हम एक बार ट्राई करते हैं। तो हम सीधा जाके वेन्यू के पास खड़े हो गए एंड यहाँ पे ये देखिए भीड़। भीड़ देख के तो हमारा दिमाग ही ख़राब हो गया बिकॉज़ गेट है जो वो बंद हो चुका है और गेट के बाहर इतनी पब्लिक खड़ी है। हमें समझ में नहीं आ रहा था, फिर हमें ऐसा लगा शायद मे बी सेकेंड राउंड की पब्लिक खड़ी हो, सेकेंड राउंड शायद कुछ ऐसा प्लान किया हो इन लोगों ने। बट फिर हमने देखा कि कुछ कुछ बाहर निकल रहे हैं बट स्टिल बहुत कोई खड़े हैं। देन सडनली गेट खुला, जैसे गेट खुला ना सारे अंदर एक साथ, तो हम भी अंदर घुस गए। एंड अंदर में आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे डांडिया अभी ओवर हो चुका है। बहुत ज़्यादा एक्सेस क्राउड था और ये सब की वजह से डांडिया बंद हो चुका था एंड ऑलमोस्ट आई गेस 11:30 बज ही चुके थे, 11:30 हो रहे थे तो बंद हो गया था। तो इतना बुरा लगा, इतना बुरा क्या बताऊँ। तो ये देखिए ये हुआ हमारा चोपा, बिकॉज हम इतना तैयार हुए, सब इतना फैशन मारा और जहाँ हम गए डांडिया करने वहाँ डांडिया खत्म हो चुका था। तो हम वापस घर जा रहे हैं।
एक जगह हमें पार्किंग नहीं मिली, हमें पास नहीं मिला और लास्ट में डांडिया ही खत्म हो गया। देखिए बाल बांध लिया बिकॉज फैशन इज ओवर नाउ। सो फिर दशमी थी तो दशमी के दिन गरबा का विसर्जन था और मैं गरबा टच नहीं कर सकती थी, तो बस मम्मी, जैसे हमने गणपति बापा को पूरे घर पे घुमाया था, उनका आशीर्वाद लिया था, इसी तरीके से हम माँ को भी पूरे घर पे घुमा रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। बस फिर मेरे हस्बैंड और मम्मी दोनों जाएंगे विसर्जन करने। बस फिर विसर्जन करके आए और विसर्जन करके आने के बाद हमने गाड़ियों की पूजा की। मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कभी ऐसा चोपा हुआ है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर